नमस्कार से स्वागत कट ऑफ डेट पर भारत बना रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सज्जूरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते भगवान कृपा से आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौसम जब चेंज होने जा रहा है दोस्तों, ठंडी का मौसम आने वाला है कुछ दिन में, इंतजार कीजिए, धीरे धीरे ठंड आते जा रहे हैं। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं, मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। एक सेकंड का काम लगता है दोस्तों, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के आपको मिल जाएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, दोस्तों नवनियुक्त चतुर्वेदी पैनलधारी परिचारी परिचारी विशिष्ट पदों पर संबंधित मैं वीडियो आप लोग को ब्लॉग को शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और डेली शुरू करो और आप लोग सपोर्ट करते हैं, बीच बीच में मैं इधर उधर का ब्लॉग डाल देता हूँ समय नहीं होने के कारण से दोस्तों, तो आप लोग नाराजगी दिखाते हैं। खैर कोई बात नहीं, कुछ सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह। कभी कभी बाहर का दुनिया, हमारे इधर का दुनिया या कहीं का दुनिया आपको देखने को तो मौका मिल जाते हैं आप लोग को दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ कट ऑफ डेट पर दोस्तों। बहुत कॉमेंट करते हैं कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। तो चलिए आज मैं कट ऑफ के बारे में बताता हूँ दोस्तों। मैंने पहले भी एक बार बताए थे और YouTube पर बहुत दे रहे हैं कट ऑफ क्या रहेगा, ये होगा BSSC के माध्यम से क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा जो मानना है दोस्तों, हम भी इससे जुड़े हुए हैं काफ़ी दिन हो गया और अच्छा लड़ाई लड़े तभी जाके ये इससे सक्सेस हुआ है दोस्तों। तो आप लोग भी बहुत सहयोग किए हैं, आप लोग के सहयोग के साथ हम भी सहयोग में हैं। तो आप हमारा जो अनुमान है दोस्तों, अनुमानों को मैं आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ। मेरा ये कन्फर्म अनुमान नहीं है, लेकिन मैं अपना अनुमान हूँ दोस्तों, क्योंकि उम्र के हिसाब से और आवेदन के हिसाब से मैं अपना अनुमान कर रहा हूँ कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखवे किए हैं कि 12/12/2012 का बहुत फॉर्म है, तो वो है आठवीं स्तर का है दोस्तों। और आठवीं स्तर का जो दोस्तों कट ऑफ रहेगा, क्योंकि उसका उम्र दोस्तों हमको 55 पार कर चुका है, कितना का 60 पूरने वाला है, 2-4 साल नौकरी करेगा, उस हिसाब से हमको लगता है उसका जो कट ऑफ डेट रहेगा दोस्तों, उसका डेट रहेगा आठवीं स्तर वाले को कि 30 अंक से उनको ले लेगा, ठीक है, SC ST को 30 अंक से ले लेगा, और EBC OBC इस सब को दोस्तों 35% से लेगा, हो सकता है जनरल को 38 या 40 करेगा। यही हमारा कट ऑफ डेट रहेगा जो हमारा अनुमान है दोस्तों, क्योंकि उसका उम्र नहीं था और बहुत बूढ़ा सा, आप देखे होंगे वीडियो में कितना बूढ़ा साहब का, एक तो मुजफ्फरपुर का था, उसका नाम भूल गए हैं, ठीक है, उसका वीडियो देखे थे और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से उसका उम्र और ये जब एडमिट कार्ड जारी किया गया था और शरीर से दोस्तों बहुत बूढ़ा था, ऐसे तो हमको अनुमान लगा है एज उसका खत्म हो गया, लेकिन सर्टिफिकेट के हिसाब से उसका एज अभी रखा हुआ था। तो चलिए उसका उम्र के हिसाब से हम लगाते हैं दोस्तों, ज़्यादा कट ऑफ नहीं देगा उन लोगों को, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र बांध के रखिए, सब सरकार सब पर विचार करने का है। और मैट्रिक के स्तर पर जो है उसका भी काफ़ी समय हो गया है फॉर्म भरे, उसमें भी लास्ट एज वाला भी भरे हैं, तो लास्ट एज को ध्यान में रखते हुए तो अगर बढ़ोतरी में कुछ कर दे कि जैसे मतलब एज को देखते हुए बढ़ता को दे दे, तो एज को बढ़ता होकर दे देगा, तो उसका भी ST ST का दोस्तों 35 कट ऑफ रहेगा और 40 OBC EBC का रहेगा और 45 हमारा अनुमान से दोस्तों जनरल का रहेगा, ठीक है, यही तो 3-4 कैटेगरी का है ही है। तो इतने सा होगा, जो नवयुवक है तो हो सकता है उनका भी इसी डेट पर ले ले, क्योंकि आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, कितने उसमें विभागीय आदमी हैं, कितना पढ़ने वाले विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, 35 का है 30 का है, उस हिसाब से दोस्तों उनको भी ले सकता है, हो सकता है उनको बाद में दूसरा जैसे लिस्ट निकालता है कोई भी एग्जाम का देखे होंगे, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट, हो सकता है सेकंड थर्ड में लिस्ट में ले, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में हमारा अनुमान है कि लास्ट एज वाले को जिसका एज खत्म हो चुका है और दूसरा कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है, तो उसको इसी हिसाब से दोस्तों हमारे ख्याल से लिया जाएगा। बाकी क्या करेगा ये BSSC के प्रशासन जो है पदाधिकारी उसके ऊपर है, जो कि जाँच करेंगे, जो कि कॉपी बैठाएंगे और बाकी मंत्री सब बैठ कर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री और सचिव वगैरह जो भी है उस विभाग से जुड़े हुए शिक्षा विभाग से, वो सब जिले प्रशासन के हिसाब से होगा दोस्तों। तो उसको तो हमसे कोई संपर्क है ही नहीं है, तो अपना अनुमान लगाते हैं, हर यूट्यूब पर हर यूट्यूबर दे रहे हैं, तो हम भी सोचें
कि अपना अनुमान कुछ लगाए, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं। यूट्यूबर तो जुड़ा नहीं है, वो तो तरह तरह के वीडियो बना रहा है, और हम तो साक्षात आदमी उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ अनुमान है कि सरकार राहत जरूर देगा दोस्तों। क्योंकि पहले भी एक मंत्री आए थे नवगछिया, तो मंत्री ने वो घोषणा किया था 10,000 परिचारी की नियुक्ति दी जाएगी। अब उसमें देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसको अनुमान लगाएंगे, क्योंकि मंत्री सब भी एकत्रित है कि नहीं, आदमी को घर के स्थिति को देखते हुए, शरीर को स्थिति को देखते हुए उन लोग को कुछ मौका दिया जाए। अब आगे क्या होता है, आगे चुनाव है, सरकार कुछ बेनिफिट के लिए अगर मौका दे दे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। मैं भी सरकार से निवेदन करता हूँ, अगर कोई सरकार के कर्मचारी अगर इससे इन्वॉल्व हैं तो कुछ हमारे जो भी हैं इस विभाग से जुड़े हुए, हम लोग को राहत दीजिए, क्योंकि कोई एज ही नहीं बचा है, बस लास्ट यही बचा है, ठीक है। मैंने मुख्यमंत्री जी से, BSSC के सारे पदाधिकारी से नव निवेदन करते हैं, हमारे जो भी परिचारी विशेष संबंधित कर्मचारी है उनको मौका दिया जाए, ठीक है। कुछ जिंदगी अगर बदल जाए कुछ समय हो, तो बहुत हल्का उद्धार होगा, आपका बड़ा आभार बना रहूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा क्या बनाऊँगा, ये सब बहुत सब वीडियो पर ग्रुप में देते हैं, तो उसको देखते हुए लगे मेरा भी कुछ निवेदन, बिहार सरकार और PSSC प्रशासन से मेरा निवेदन है, ठीक है, निवेदन कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा लंबा क्या वीडियो बनाएंगे, आप लोग को वीडियो यही काफ़ी है, और जो भी आज भी कमेंट किए हैं उसका वीडियो हो सकता है मैं दूसरे दिन बनाऊँ, कमेंट तो बहुत आते जाते हैं, लेकिन उतना लंबा वीडियो कमेंट के हिसाब से बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कटपुट कर देते हैं बीच में, क्योंकि एक एक आदमी एक एक जीमेल से एक एक नाम से 4-5 कमेंट करते हैं, अगर सबका कमेंट पढ़ने लगेंगे और एक ही आदमी का 4-5 कमेंट का जवाब देंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसलिए नाराज है, अगर एक नाम भी आ गया तो बहुत खुशी है, आपका विचार आपका विमर्श और हमारा विचार हमारा विमर्श से आप लोग का मैच खाता है, तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग यही वीडियो का अंत करते हैं, बाहर में रेडियो का आवाज़ आ रहा है, कुछ जगह बज रहा है, इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, आप लोग से विदा मांगते हैं, जय हिंद जय भारत। All right, all right.